हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, गेम तो हम लोग सबको ही खेलते हैं। गेम खेलना कोई बुरा बात नहीं है, बट अगर उस गेम के साथ आप एडिक्ट हो जाते हो तो वो ही बुरा बात है। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इसी गेमिंग एडिक्शन के बारे में। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदीप नंदी, टेक मैन के न्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गेम सब कोई खेलता है। मैं नहीं खेलता इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खेलता है। बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, बट मैं गेम खेलना उतना पसंद नहीं करता हूँ। बट जो लोग भी गेम खेलते हैं, गेम खेलना सच में कोई भी बुरा बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपको टाइम पास करना है, तो आप गेम खेल सकते हो। गेम खेलना एक साइड से अच्छा भी है, एक साइड से बुरा भी है। अच्छा साइड का अगर मैं बात करूँ कि जो लोग भी प्रोफेशनल गेमर होता है, उन लोगों का मतलब सब कुछ गेम ही है। वो लोग गेम खेल के पैसा इनकम करते हैं। बट जो भी प्रोफेशनल गेमर है, वो लोग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए गेम खेलते हैं और उसके बाद वो लोग गेम नहीं खेलते। बट अगर इसी गेमिंग का मैं डिसएडवांटेज का बात करूं, तो वो है कि आजकल का जो भी लड़का लोग है, हम लोगों के एज ग्रुप का, मान लीजिए 18 to 25, 30 years old का जितना भी लोग है, उन लोगों के अंदर ज्यादातर एक चीज अब हो गया है कि वो है गेमिंग एडिक्शन। अगर कुछ नहीं है तो गेम खेलो, ये गेम नहीं है तो वो गेम खेलो। देखो, गेमिंग एडिक्शन तब बन जाता है जब आप कोई भी एक गेम खेल रहे हो और उस गेम ने आपको कंट्रोल कर रहा है। गेम एक ऐसा चीज है जिसका कंट्रोल आपके हाथ पे है। बट जिस दिन से अगर उस गेम आपको कंट्रोल कर रहा है, उस दिन से आप गेम का एडिक्शन हो चुका है। गेमिंग एडिक्शन एक ऐसा चीज है कि जहां पे आप एक गेम खेल रहे हो, बट उसके बीच में आपके पास कोई भी काम आया, आपके पास कोई भी कॉल आया, बट आप ना उस काम को कर पा रहे हो, ना आप उस कॉल को रिसीव कर पा रहे हो। बेसिकली आप उस गेम के बाहर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आप एक मिशन पे हो, आप एक गेम के अंदर हो। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, उस दिन आप समझ जाना कि आप एक गेम के अंदर आप एडिक्ट हो चुके हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज को माना है कि ये जो गेमिंग एडिक्शन है, ये एक मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर है। गेमिंग डिसऑर्डर एक नॉर्मली एक मतलब बीमारी है हम लोगों के लिए, जो लोग इस गेमिंग एडिक्शन को छोड़ नहीं सकता है। गेमिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक लिमिट तक खेलो। आप अगर एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो, मतलब सुबह शाम जब भी आपको मौका मिल रहा है, सुबह से रात तक आप बस गेम के अंदर घुसे हो, ना आप कुछ काम कर रहे हो, ना आपको किसी का बात से मतलब है, कुछ नहीं, आपको बस उस गेम से मतलब है। जैसे कि हम लोगों को पता चला था कि जब पबजी आया था नया नया, तब पबजी के कारण बहुत सारे लोग सुइसाइड किए थे, बहुत सारे बच्चे अपने घर पे बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था, बहुत सारे लोग को मतलब बच्चे को फोन खरीदना सिर्फ पबजी खेलने के लिए, जो मेन चीज हुआ था पबजी के कारण बहुत सारे बच्चे अपने जान भी दे दिया था। तो ये होता है एडिक्शन। इसको छोड़ के भी बहुत सारा गेम है, सीओसी है, सीओडी है। तो हमेशा एक एक टाइम पे एक एक गेम आ जाता है जिसपे सब लोग एडिक्ट हो जाता है। तो पबजी जब आया था, सबसे ज्यादा गेमिंग एडिक्शन तभी हुआ था हम लोगों का। तो ये जो गेम होता है, इस गेम को खेलना मतलब ऐसा नहीं कि आपका दिन भर का पूरा टाइम इसके अंदर दे दो। गेम खेलो, गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में रखना कि आप जिस दिन से आपके अंदर से आवाज आ रहा है कि नहीं भाई, आप ये गेम छोड़ के मैं दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, उस टाइम जाके आप किसी भी आपके जो भी फैमिली है, आप कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, अगर गेम खेलते वक्त मेरे पास कोई भी काम आ रहा है तो मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से उस गेम को ऑफ करना मेरे से नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सच में एक डिसऑर्डर है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, जो ना ही सिर्फ आपका सिर्फ आंखों के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए भी ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। आपका दोस्त लोग किसी भी ऐसे चीज में एडिक्ट हो चुका है, तो उसको भी मदद करो, उसके फैमिली को बताओ, उसके साथ बात करो, उसको समझाओ कि ये सब चीज करने से कुछ नहीं होगा। गेम खेलो, एक लिमिट तक खेलो। हो सकता है कि कभी कभी आपको मन कर रहा है तो आप एक दिन में 4-5 घंटा खेल लिए, वो अलग बात है, बट हर दिन ऐसे कंटिन्यू करना भी आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, नहीं तो स्क्रीन पे दिखा गया इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को पिन करके पूछ सकते हो। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।